गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो चैप्टर एक आप लोगों का है माय चाइल्डहुड जो आप लोगों का चैप्टर में दिया है मेरा बचपन, इसमें हम लोग हार्ड वर्ड कर रहे थे, वर्ड मीनिंग जो आज उसी में कुछ बाकी रह गए थे उसे आज हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज माय चाइल्डहुड का वर्ड मीनिंग। इसमें आगे हम लोगों को करना था ईडल, IDOL, ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मूर्ति। नेक्स्ट वर्ड है इवेंट, टू ई एंड इवेंट टू, ओके। महत्वपूर्ण घटनाएं। नेक्स्ट है प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स होता है पैगंबर। हिंदी में इसे कहते हैं सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष। स्केयर्ड मीन्स होता है धार्मिक या पवित्र। नेक्स्ट है थ्रेड, थ्रेड मीन्स रेशा या धागा, दोनों होता है। इसके बाद से है स्टोमक मीन्स सहन करना होता है वर्ब में, और नाउन में स्टोमक मीन्स पेट भी होता है, ठीक है, स्टोमक मीन्स पेट, और वर्ब में सहन करना होता है। एकॉर्डेंस मीन्स होता है मेल, इसको एक रूपता कहते हैं, एक रूपता। नेक्स्ट वर्ड है अटर्ली, अटर्ली मीन्स पूरी तौर पर। इसके बाद से है डाउनकास्ट का मतलब होता है मायूस, जिसे उदास भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है समन, SUMMON, समन। समन मीन्स होता है बुलाना, समन मीन्स बुलाना। इसके बाद आ जाइए इन इक्वालिटी मीन्स होता है असमानता, और असमानता। इन क्वालिटी इंटॉलरेंस मीन्स होता है असहनीय। इनोसेंट मीन्स अनजान, अबोध। इनोसेंट मीन्स अनजान, अबोध या निर्दोष। ब्लंटली BLUNTLY
ब्लंटली मीन्स होता है अस्पष्ट या मुंह फट भी इसको कहते हैं। अपलॉजीज, अपलॉजीज मीन्स क्षमा या माफी मांगना, माफी मांगना या क्षमा याचना करना। क्षमा याचना करना नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा रिग्रेट, दुखी होना। कॉन्विक्शन, पक्का यकीन, जिसे दृढ़ विश्वास भी कहा जाता है, दृढ़ विश्वास। कन्विक्शन, कॉन्वे, CONVEY, कॉन्वे। अपने विचार, दूसरे तक पहुंचाना। ओके, अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना, कन्वे। रिफॉर्म, रिफॉर्म मीन्स होता है सुधार करना या अच्छा बनाना, अच्छा बनाना। तो ये रहे आपके कुछ हार्ड वर्ड्स, जिसे आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसे याद भी करते चलेंगे। इसमें कुछ और हार्ड वर्ड बाकी रह जाते हैं जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।